कुछ टाइम पहले आपने काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीर तो देखी होगी, जहां बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए एक चलती हवाई जहाज में बैठने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों की आसमान से गिरते हुए भी तस्वीरें दिखाई थी। और इसी के साथ एक सवाल सबके मन में खड़ा होता है, क्या कोई आदमी हवाई जहाज की खिड़की पर लटक कर या उसके पहिए में छिप कर या प्लेन का दरवाजा पकड़कर कोई इंसान ऐसे हवाई सफर कर सकता है? जरा सोच कर देखिए ये कितना खतरनाक और मुश्किल है। कुछ ऐसा ही किया पंजाब के रहने वाले दो भाइयों ने, तो चलो आज हम जानते हैं उन्हीं के बारे में। यह बात है सन 1986 की पंजाब के रहने वाले दो भाइयों की। एक का नाम प्रदीप सैनी और दूसरे का नाम विजय सैनी था। प्रदीप की उम्र 23 साल की थी और विजय 19 साल का था। उनके पिता एक किसान थे और वो दोनों भाई विदेश जाना चाहते थे। अब लीगली वीजा लेकर किसी देश में जाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। तब उन्होंने एक एजेंट से बात की। तब एजेंट ने उनसे कहा कि तुम सीधे रास्ते तो लंदन जा ही नहीं सकते, मैं तुम्हें सीक्रेटली प्लेन में लगेज रखने वाली जगह से अपनी सेटिंग से बिठा दूंगा और तुम्हें यहाँ एयरपोर्ट पर उतार भी लिया जाएगा। वो दोनों भाई इस बात से राजी थे, लेकिन वो एजेंट बार बार टालता रहा और इन दोनों को तो किसी भी हालत में बाहर जाना था। अब दोनों ने तय किया कि वे खुद अपने दम पर ही जाएंगे। दोनों भाई पंजाब से दिल्ली आए और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर चक्कर लगाने लगे। दोनों थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे, जानने लगे कब कौन कहाँ तैनात है, पुलिस कहाँ रहती है। दोनों मेन डोर तो एयरपोर्ट के अंदर जा ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट के पूरे कंपाउंड को समझा। करीब एक महीना छानबीन के बाद वो दीवार से एयरपोर्ट के अंदर आ गए जहाँ से कोई आता जाता नहीं था, और वो रनवे पर चले जाते हैं जहाँ प्लेन टेक ऑफ करने से पहले कुछ देर रुकते हैं। दोनों भाई सिक्योरिटी और लोगों से बचकर दोनों अलग अलग लैंडिंग गियर में छुप जाते हैं। प्लेन अब टेक ऑफ कर चुकी थी। वो दोनों भाई इस बात से अनजान थे कि उनकी हालत क्या होने वाली है, वो लंदन पहुंचेंगे कि नहीं। कुछ देर बाद फ्लाइट एक निश्चित हाइट पा लेती है। हाइट पकड़ने के बाद टेम्परेचर और हवा से लड़ना काफी मुश्किल होता है। प्लेन की आवाज, पहियों का कंपन एक भूचाल से कम नहीं होता है। प्लेन 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। हवा एक कान फाड़ देने वाली। दोनों भाई जिंदगी और मौत के बीच थे। फ्लाइट धीरे धीरे 1000 से 1100 मीटर हाइट पकड़ लेती है, जहां ऑक्सीजन नाई के बराबर होता है। टेम्परेचर -50 से 55 डिग्री होता है। इस हालत में किसी का भी जिंदा रहना मुश्किल था, और दिल्ली से लंदन का सफर 9 से 10 घंटे का था। करीब 9 घंटे बाद प्लेन लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करता है। वहां एक इंसान आता है जो वहां के लगेज कलेक्ट करने वाली टीम का एक मेंबर था, और वह वहां पर देखता है कि प्लेन के पहिए के बीच एक इंसान है। वो बेहद ठंड से जूझ रहा है, उसके ऊपर बर्फ की एक परत जम जाती है। पूरा स्टाफ और पुलिस वहां पहुंचती है, इसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। सब परेशान थे कि वो कौन है, कहां से आया है, और ना उसके पास कोई पासपोर्ट था ना कोई वीजा। करीब 2 दिन के इलाज के बाद प्रदीप को होश आ जाता है। सबसे पहले प्रदीप पूछता है कि मेरा भाई कहां है। सब फिर परेशान, क्योंकि फ्लाइट में सिर्फ प्रदीप ही मिला था, अब भाई कहां से आ गया। अब 2-3 दिन इलाज के बाद प्रदीप बात करने की हालत में था। तब उसने पुलिस को सारी बात बताई। फिर पुलिस उसके भाई को ढूंढने में लगी। 2 दिन के बाद लंदन के रिच लॉम्बर्ड इलाके में प्रदीप के भाई की बॉडी मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। तब वहां की पुलिस को प्रदीप की बात पर विश्वास होता है, लेकिन उधर ऑक्सीजन ना के बराबर था तो प्रदीप बचा कैसे। उस पर एक रिसर्च हुई, तब पता चला कि प्रदीप की शरीर ने कोई रिएक्ट नहीं किया, इस कारण तेज हवा का असर प्रदीप के शरीर पर नहीं हुआ। यूं मानो उसकी बॉडी फीलिंग लेस हो चुकी थी। दूसरा कारण, प्रदीप का स्ट्रॉन्ग विल पावर। प्रदीप के बचने की कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उसने आप एक चमत्कार भी कह सकते हैं, या उसके शरीर की मजबूती भी। आमतौर पर किसी भी इंसान की इस परिस्थिति में मौत हो सकती है, लेकिन प्रदीप जिंदा दिल्ली से लंदन पहुंचा कैसे भगवान ही जानता है। हवाई जहाज के पहियों में खुद को छुपाकर और वो भी जिंदा हालत में। इसके बाद प्रदीप पर लंदन के कोर्ट से मुकदमा चला, और 28 साल बाद 2014 को प्रदीप ने लंदन की नागरिकता भी पा ली। आज उनकी उम्र 40 साल है और वो लंदन में ही रहते हैं एक ड्राइवर के रूप में। इस तरह खुद को मौत के मुंह में रखकर जाना कोई बेवकूफी है या जज्बा, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।